Hello student, good morning to everyone. B.Ed first year paper art and drama in education. इसके अंतर्गत आज हम पढ़ेंगे नाटक की कला, यानी नाटक क्या है. नाटक क्या है कि अपने अभिनय को मंच पर प्रस्तुत करना, जो कि अपने कल्पना शक्ति के आधार पर जो एक नाटक किया जाता है, है ना. जो ये क्या है, ये प्राचीन काल से सभ्यता है, प्राचीन काल से हमारी ये भी एक सभ्यता है, ये भी हमारी प्राचीन काल से ये नाटक कला भी चली आ रही है. तो आज हम अपने नाटक की कला, जिसके अंदर क्या होता है, व्यक्ति अपने अभिनय को मंच पर लोगों के सामने प्रस्तुत करता है. तो क्या है इसके अर्थ, नाटक की कला या नाटक ड्रामा जैसे नाटक अभिनय है. इसके अंदर क्या क्या होता है, इसके अंदर कि सभी ने द्वारा मंच पर अपने कोई भी तथ्य बात करें, कोई भी सूचना घटना को इस तरह प्रदर्शित किया जाता है, ठीक है. इन सभी को एक रूप में एकाग्र रूप में प्रस्तुत करना ही नाटक कहलाता है. तो इसके अंदर क्या होता है, इसके अंदर जान जाए, इसके अंदर नाटक क्या होता है, इसके अंदर किसके द्वारा कल्पना शक्ति होता है. इसके अंदर वो कल्पना के अंतर्गत वो अपनी एक कल्पना के आधार पर एक नाटक पूरा तैयार किया जाता है, जिसके अंतर्गत ये मंच पर प्रस्तुत किया जाता है. इसके अंतर्गत क्या होता है, कल्पना शक्ति का विकास होता है. देख सकते हैं द्वारा, नाटक के द्वारा, इनके अंदर कल्पना शक्ति का विकास.
के नाटक कल्पना बेस पर आधारित है, तो उनके अंदर में सर्जनात्मकता नहीं है, सर्जनात्मकता क्रिएटिविटी बहुत का विकास होता है और आ जाता है अंतिम शक्तियों का विकास, अंतिम शक्तियाँ बाहर आती है नाटक के माध्यम से। आपको विश्वास करता हूँ कि आप इस शक्ति से करेंगे। फिर आ जाता है इसमें समाज के विभिन्न लोगों के प्रति मिलकर ये नाटक प्रस्तुत करते थे। क्या होता है ये सारी चीज़ें नाटकों से ही संभव हो रही है। तो अपन लोग लिख सकते हैं कि इससे समूह या सहयोग या सहयोग की भावना का विकास होता है। एक आगता के साथ ही इसके अंदर अपने मस्तिष्क शरीर के अंगों है ना, तो ये सब एक साथ प्रदर्शित किया जाता है। उसके अंदर सारे अंगों का एक साथ एकाग्र रूप ही नाटक कहलाता है, एक रूप में उनको प्रस्तुत करना होता है। एकाग्रता इसके अंदर इसके अंदर इसमें मस्तिष्क
इसको समझाना जो भी बताया हमने कि कैसे प्रस्तुत किया जाता है और इसमें छात्रों में और उनके गुणों का विकास होता है। ओके स्टूडेंट, अपने आप का ध्यान रखें और पढ़ाई में व्यस्त रहें। धन्यवाद।